नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के चक मिर्जापुर निवासी किशन यादव उर्फ कृष्णा यादव की गुरुवार की रात पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने बक्सा के चक मिर्जापुर गांव के पास लखनऊ रायबरेली हाईवे जाम कर दिया। आक्रोश इतना अधिक रहा कि जो है कुल 6 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। लाख समझाने के बाद भी ग्रामीण नहीं शांत हुए। इस दौरान पूर्व निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजबहादुर यादव व पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। तब करीब 6 घंटे बाद लखनऊ रायबरेली हाईवे को चालू कराया जा सका। आपको बता दें कि अब घटना के बाद प्रशासन द्वारा इसकी पोस्टमार्टम कराई गई। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुनः शव को घर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन को शायद अंदेशा था या आशंका थी कि अगर शव दोबारा घर पहुंचेगा तो एक बार फिर ग्रामीण व परिजन उग्र हो सकते हैं और हाईवे को जाम कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से आनन फानन में बस से कृष्णा के उर्फ कृष्ण के किशन के परिजनों को बस से बुलाया गया और राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और एक बात आपको यह भी बता दें कि आईजी विजय सिंह मीणा भी बनारस से देर रात कल जिला अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने मामले की जांच भी किया और परिजनों से बातचीत भी किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरा मामला भी सियासी होता नजर आ रहा है। इसको राजनीतिक दल भी पकड़ते नजर आ रहे हैं। आज यानी शनिवार को पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजबहादुर यादव, पूर्व सांसद धनंजय सिंह व बसपा से निष्कासित मुगराबाद शाहपुर की विधायक सुषमा पटेल ने परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बताया। वहीं अब सपा के नेता व नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी शनिवार को इस पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अब वह रविवार को पहुंचेंगे। उनके साथ 10 विधायकों का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचेगा। मौके पर पूरे मामले की जांच कर वह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देंगे और अखिलेश यादव की तरफ से 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी वह पीड़ित के आश्रितों को देंगे। वहीं आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है शनिवार को जिले के प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी का कार्यक्रम होने वाला था, जो स्थगित करके रविवार को कर दिया गया है। वह जिला स्तरीय अधिकारियों व कानून व्यवस्था की बैठक 11 बजे रविवार को लेंगे। आपको बता दें, पूरे घटनाक्रम पे इंडिया बोलेगा कि टीम की पूरी नजर बनी हुई है। आपको पल पल की रिपोर्ट अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यूट्यूब पे जाके इंडिया बोलेगा सर्च कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जो